अब बात ग्राउंड ग्राउंड अलर्ट विजुअल की। ब्लैक बग यानी काले हिरन हरियाणा में संरक्षित है, लेकिन कुत्तों के हमले से पिछले 5 साल में 570 हिरणों की मौत हो गई है। लिहाजा अब प्रशासन ने कुत्तों के मालिकों के साथ फोटो मांगी है। हरियाणा वन्य जीव विभाग का कागज पर लिखा ये एक ऐसा आदेश है जिसने लोगों को परेशान किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि जिन लोगों ने कुत्ता पाला है वो अपने कुत्ते के साथ अपना फोटो खींचकर वन्य जीव विभाग के पास जमा करवाएं। ये सारी कवायद है इलाके में पाए जाने वाले काले हिरणों को बचाने के लिए। हिसार में ये इलाका काले हिरणों का प्राकृतिक आवास है और इसे काले हिरणों के लिए संरक्षित इलाका घोषित किया गया है, लेकिन यहाँ कुत्तों की वजह से काले हिरणों पर संकट मंडरा रहा है। बड़ी संख्या में कुत्ते काले हिरणों को शिकार बना रहे हैं। ताकि पहचान के लिए उनको एक नोटिस भी दिया गया, आप अपने फोटोग्राफ भेजे ताकि पहचान निकल, तो कोई कुत्ता अटैक करेगा तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। 2012 से 2017 के बीच 627 हिरणों की मौत हुई। इनमें से सड़क हादसे में 24 हिरण मारे गए। तो कुत्तों के हमले और खेतों में लगाई ब्लेड की तारों से 570 हिरणों की मौत हुई। 627 हिरणों में से 372 हिरणों की मौत हिसार में, जबकि 185 मौतें फतेहाबाद जिले के दायरे में हुई हैं। ऐसा जीने का हमारे लिए है तो इन जानवरों का भी इस धरती के ऊपर उतना ही हक जीने के लिए। कुदरत ने इनके लिए भी सब कुछ व्यवस्था की थी, हम उसको इग्नोर करते जा रहे। थारा तो बंद रखो, अरे फोटो खींचने जा में पकड़े। वन्य प्राणी वाले आए थे, भी अपने कुत्ते घर पे रखो, नहीं हम पकड़ के ले जाएंगे। ब्लैक बग यानी काले हिरण तेजी से विलुप्त होती प्रजाति में शामिल है। इन काले हिरणों को कुत्तों से बचाने और कुत्तों की पहचान कर उन्हें काबू करने के लिए विभाग ये कवायद कर रहा है। रोहित कुमार, जी मीडिया, हिसार। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है पवन ग्रोवर, जो कि डिविजनल वाइल्ड लाइफ ऑफिसर हैं हिसार में। पवन जी, आपका स्वागत है। पवन जी, कैसे बचेंगे ब्लैक बक? थैंक यू जी, आवाज नहीं आ रही जी। मेरा सवाल, कैसे बचेंगे ब्लैक बक? आपको आवाज मिल रही है? दिनेश जी, ब्लैक बक तो आपके और हमारे सबके मिलजुल के उनको बचाने में मुहिम चलाएंगे। सबसे पहले तो मैं जी पंजाबी आपका पंजाब और हरियाणा का धन्यवाद करूंगा कि आप भी इस मुहिम में जुड़े। इस मुहिम में सबको जुड़ना पड़ेगा, तभी हिरणों को बचाया जा सकेगा, क्योंकि जीव जंतु हिरण नहीं, सारे ही जीव जंतु धरती पे जरूरी है जी। क्योंकि अगर वो जीव जंतु नहीं होगा तो हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा जी। इकोसिस्टम ठीक नहीं होगा तो हमारी पवन जाते हुए पालतू कुत्ते हैं उनके मालिकों के साथ फोटो मंगवाया है, ये कैसे पता लगा कि पालतू कुत्ते जो है वो ब्लैक बक्स को खा रहे हैं, मार रहे हैं? आवारा कुत्ते क्यों नहीं? क्योंकि जब भी हमारे फील्ड का स्टाफ जाता है जी, वो वहां छानबीन करता है तो पता लगता है फला कुत्ता आया था, वो आया था। जब उसको भगाने की कोशिश की जाती है तो मालिक भाग के आते हैं, हमारा कुत्ता, इसे मत कुछ कीजिए, इसे मत भगाइए। इसलिए उनसे हमने पहचान मांगी है ताकि, और उनको ये भी बोला अपने कुत्ते को, पालतू कुत्ते को अपने घर ही बांध के रखे ताकि हमारे हिरणों को नुकसान ना हो जी। आवारा कुत्तों से भी मौतें हुई हैं क्या? ऐसी भी रिपोर्ट हैं? कुछ हद तक हुई है, क्योंकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पशुपालन विभाग भी सतर्क है, काफी कार्रवाई की कर रहा है जी। लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं? लोग कैसे इस मुहिम में, ब्लैक बक्स को बचाने की मुहिम में जो कि संरक्षित है, जुड़ सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं आपको?
लोगों का सहयोग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग हमारे साथ होंगे तभी हम सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टाफ जो हमारा विभाग का स्टाफ है वो तो लिमिट में ही होता है जी। और एरिया बहुत बड़ा होता है, तो लोगों का सहयोग ही जरूरी है, एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा जी। पवन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी टीम जो है ब्लैक बक्स को जरूर बचाएगी हरियाणा में, हिसार में। थैंक यू जी, थैंक यू जी।